पूलसाइड डेक, ऐसा वाला घर तो जरूर पसंद आएगा आप लोगों को। ये पूलसाइड वाला एरिया तुम्हें बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा जैसे अपना लंदन वाला घर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है मुझे। इतना छोटा है ये एरिया, जस्ट 1/4। लगता है डीडी की बात तुमने अपने दिल पे ले ली। बिल्कुल अपने दिल पे ले लिए। अब क्या वो समझती क्या है वो? अगर वो मेरे सिद और रोशनी की खुशियों के बीच में नहीं आती ना, तो पता है राज, मैं ना सिमरन कौर फ्रॉम भटिंडा बन जाती और उस बाल कटी के बाल काट देती। सच्ची कह रही हूँ। इतना गुस्सा ठीक नहीं है, हमारी सेहत ही खराब होगी। डैड, आया पुत्र। देखो, गुस्सा करने से अपनी सेहत खराब होगी, इसलिए कूल डाउन। इतना बड़ा घर कभी नहीं देखा होगा ना आपने। अपनी अपनी किस्मत होती है, कोई मेहनत से पाते हैं और कोई दहेज में। फूल कैसा लगा? आपके घर से तो बड़ा ही है। जी, अच्छा है। वो तो मैं भी जानती हूँ कि अच्छा है। आपको कोई शर्म नहीं आती? मुंह उठाकर चले, मुफ्त का खाना मिलेगा, रिटर्न गिफ्ट्स मिलेंगे। मिसेस कुकरेजा, इस वक्त तो आप मेरे साथ अकेली है ना, अब तो सच बोल दीजिए। रहने दीजिए, नहीं भी बोलेंगे तो सच छिपेगा तो नहीं ना। पीएचडी कर रखी है आप लोगों ने मुफ्त खोरी में। हो ना हो, डीडी कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर कर रही है, लेकिन इस बार रोशनी की जिंदगी खराब नहीं करने दूंगी मैं इसे। मिसेस कुकरेजा, थोड़ा और खाना लीजिए ना प्लीज। अरे फ्री है, इसके लिए पैसे नहीं लेंगे हम। मिस्टर कुकरेजा, कबाब लीजिए ना।
काफी सॉफ्ट है। ओ, आपने इसमें कहीं ज्यादा सोडा तो नहीं डाल दिया जी? वाह क्या लजीज चिकन है। चिकन? नो पापा, ये तो वेज कबाब है, अरबी से बना हुआ है। पापा? Oh, mom, wow. आप लोग तो बहुत चालाक निकले। शादी से पहले ही रोशनी के मम्मी पापा बन बैठे। क्या है ना समदन जी, हम बड़े दिल वालों को ना रिश्ता जोड़ने में समय नहीं लगता ज्यादा। और वैसे भी हमारे घर में बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया जाता है। और जहां तक ये वेज कबाब की बात है, हम पंजाबियों में वेज कबाब की तो कोई हैसियत ही नहीं है। लेकिन इस घर में सब वेजिटेरियंस हैं, कोई नॉन वेज नहीं खाता। सच्ची? वैसे आपको देखकर लगता नहीं कि आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो। डेली हमारा भेजा जो फ्राई करके खाती है ये। ये सर? बबलू खाना हो गया तुम्हारा? जाकर देखो ना अगर गिफ्ट्स रेडी हैं या नहीं। हाँ, मैं अभी देख कर। और उन्हें वहीं पर रखवा देना, हम लोग वहीं आ रहे। आज यहाँ से निकलने से पहले तुम लोगों को तुम्हारी असली औकात याद नहीं दिलाई ना, तो मेरा नाम भी डीडी नहीं। भाई वाह, दिल खुश कर देता। शादी वैसे कोई करे या ना करे, पर इसके लिए जरूर करनी चाहिए। मैं जानती थी आपको एक गिफ्ट जरूर पसंद आएगा। रमेश, ये जरा बॉक्सेस गाड़ी में रखवा। जरूर कोई प्लान चल रहा है डीडी के मन में, मुझे इस बात की तह तक जाना ही होगा। रमेश, जैसा कह रही हो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं क्या हुआ? कुछ नहीं, मगर तुम्हें क्या हुआ है? इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे कि कुछ छुपा रही हो। मैं क्यों घबराऊंगी, और छिपाने के लिए है क्या? मुझे क्या पता, मैं तो बस यहाँ सिर्फ इसलिए आई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम्हें यहाँ मेरी जरूरत है। बाहर मेहमान है, शायद उन्हें तुम्हारी जरूरत हो। एनीवे रहने दो। टीटी हो ना हो जरूर कुछ छुपा रही है, पता लगाना है कि क्या छुपा है। अंकल आंटी, आपको आइसक्रीम कैसी लगी? भाई मैं एक और लूंगा। नहीं 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 नहीं, बस रोशनी बस, आज का इनका कोटा खत्म हो गया। लो जी कमाल है, देखिए बबलू जी, ये आइसक्रीम में कोटा सिस्टम कब से शुरू हो गया है? हो गया, अब तुम जाओ इससे पहले और मांगे। अरे रख के दिया, और लीजिए ना, मुफ्त का ही है, खा लीजिए, काफी महंगा, बाद में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नहीं वो मम्मा, नहीं तो भैया बस ठंडा पानी ला दीजिएगा, थोड़ा बर्फ डाल कर। यस जी। बड़ा मजा आ रहा है ना ऑर्डर देते हुए। बहुत बुरा गेम खेला आप लोगों ने हमारे साथ। की माँ को सबके सामने चलकर उसकी औकात बताते हैं। चलो अमित सर। रहने दीजिए नाराज, प्लीज बच्चों की खाते हो। मिसेस खुराना, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता।
ये लीजिए, अब मैं मुस्कुरा गई बस। नहीं नहीं, मुझे जाके उनको बताना। क्या कर रहे हैं आप मुझे? प्लीज आइए ना, चलकर हम डीडी को बताते हैं कि हम अगर चाहें तो एक घंटे में डीडी का पूरा बिजनेस खरीद सकते हैं। प्लीज राज, और देखिए ऐसे अच्छा नहीं लगता है, चलिए 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 ना। मॉम को इतना अनकंफर्टेबल मैंने आज तक नहीं देखा। मेरी खुशी के लिए अब कितना कुछ सहन कर रहे हैं ये लोग। क्या कर रहे हैं आप? ध्यान से, इसका प्राइस भी मालूम है आपको? कितने का है? अब रहने भी दीजिए, इतने पैसे एक साथ कभी देखे नहीं होंगे आप लोगों ने। एनीवे, फॉरगेट इट। मॉम? हाँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। माँ, एक्चुअली सिद्धार्थ वेट कर रहे हैं जाने के लिए। अरे बिल्कुल नहीं, ऐसे कैसे? केसर जी, हाँ, सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ हाँ, दीदी के आशीर्वाद से। ग्रेट, आइए जरा, बच्चों के लिए मैंने एक छोटा सा सरप्राइज रखा। सरप्राइज? वेल, आज हम सब लोग मिल ही रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना मौके का फायदा उठाया जाए और बच्चों की सगाई करवा दी जाए। I'm really sorry, बेटा। Actually, मैं surprise था तो तुम्हारे हिस्से की रिंग भी मैं ही लेकर आ गई। और ऐसी अंगूठी जो रोशनी के लायक हो। माफ कीजिए लेकिन मैं ये रिंग ले नहीं सकता। मानना पड़ेगा, मेरी और मेरी सासू माँ की सोच कितनी मिलती है। मैं भी रोशनी को आज एक सरप्राइज देना चाहता था लेकिन मेरी सासू माँ मुझसे दस्तखत मांगे इससे पहले कि मैं कुछ कर सकूं, उन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया। रोशनी, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ज्यादा महंगी नहीं, सस्ती है, सिंपल है, सादी है, बिल्कुल मेरी रोशनी की तरह। क्योंकि मेरी रोशनी भी बहुत सादी है, उसे सिंपल चीजों की कद्र है, इसलिए मेरी नजर में ये रिंग रोशनी के लायक है। से शादी करोगे? Will you marry me, रोशनी पटेल?
ये वाली ड्रेस कैसी रहेगी? बहुत सुंदर। इसके साथ सेट देखती हूँ मैं। माँ ये वाला देखिए कैसा है, ये तो बहुत प्यारा लगेगा। मैं ट्राई करके देखती हूँ। और वैसे भी तुम पर कुछ भी प्यारा लगेगा, जाओ ट्राई करो। माँ ये देखिए कैसा लग रहा है, बहुत सुंदर। इसके साथ और इयररिंग्स आएंगे और हेयर स्टाइल अच्छा सब। माँ आपकी आंखों में आंसू? नहीं कुछ नहीं, बस। माँ कुछ तो हुआ है, बताइए ना। बस कुछ नहीं, ऐसे ही रोशनी मेरी बेटी नहीं है ना, हमेशा से इच्छा थी कि एक बेटी हो और आज तुम्हें एक बेटी मिल गई है मुझे। मेरी बेटी। रोशनी एक मिनट बेटे। माँ मैं दो मिनट में आऊँ? हाँ, मैं रखती हूँ। सॉरी बेटा तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, एक्चुअली मेरी ना तबीयत थोड़ी सी खराब सी लग रही है मुझे, तो मेरी हार्ट वाली पिल्स मेरे कमरे से ले आओगे? मॉम इसमें डिस्टर्ब वाली क्या बात है, मैं अभी जाके लाती हूँ। क्या प्लान बना है? अब तो जिंदगी ऐशो आराम से कटेगी, अमीर घर की लड़की जो फंसाई है आपने। मुझे आपसे बात नहीं करनी। रियली? काम निकल गया तो बात भी नहीं करनी है? बाय द वे यहाँ के सारे चेक्स मैं ही साइन करती हूँ, मुझसे तो बनाकर रखनी ही पड़ेगी आपको। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, मेरा मुंह मत खुलाइए वरना आपको अच्छा नहीं लगेगा। मुझे तो इस वक्त भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या हुआ, आपकी तबीयत खराब थी? आप तो घर जाने वाली थी, फिर रोशनी के कमरे में क्या कर रहे थे? सोचा होगा देख लेती हूँ शायद कुछ चीज मिल जाए, अगले हफ्ते का खर्चा ही निकला है, इसीलिए रोशनी को बेटी कहने का नाटक कर रही थी ना। आपको जो समझना है आप समझिए, लेकिन हमारे घर में बहुओं को बेटियों का दर्जा दिया जाता है, आपके घर की तरह नहीं जहाँ अपनी बेटी को पराई की तरह पाल रहे हो। ऐसी बातें करके आप सिर्फ रोशनी को फंसा सकती हैं, मुझे नहीं। शर्म नहीं आती अपने बेटे से धंधा करवाते हुए? शुक्र है भगवान ने आपको बेटी नहीं दी, वरना उसे भी बेच देती जैसे अपने बेटे को बेच रही है इस घर में। बस अपने बेटे की खुशी दिखाते हुण कितनी बेइज्जती सहेंगे हम? अरे ये लोग पैसा 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 कर रहे हैं, हर बात को पैसे के तराजू में तोलते हैं ये लोग। नहीं करना हमें ऐसी जगह पर रिश्ता। चल चल यहां से, चल चलिए यहां से, डर इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। अच्छा सच बोल रही हो तो बुरा लग रहा है, अभी तो कितनी सच्चाई और बाकी है। ऐसा है आंटी जी, अपने पेरेंट्स की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अगर एक शब्द भी आपने और बोला ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आप रोशनी की मॉम हैं। क्या कर लोगे, शादी तो तोड़ोगे नहीं, रातों रात अमीर बनने का शॉर्टकट जो है तुम्हारे लिए फर्नीचर कहीं कहीं।